हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो यार, कुछ स्टूडेंट रेगुलरली कमेंट कर रहे थे सिक्स सेमेस्टर वाले बीई बीटेक बी फार्मेसी कि हम लोगों के एग्जामिनेशंस अप्रैल में होने हैं क्या, क्योंकि जो आरजीपीवी का एकेडमिक कैलेंडर है 2022-2023 का, जो कि रिवाइज्ड एकेडमिक कैलेंडर है, उसमें जो आपके थ्योरी एग्जामिनेशंस की डेट दी गई है वो 27 अप्रैल से मिड मई तक दी गई है। यानी कि थ्योरी एग्जामिनेशंस अकॉर्डिंग टू एकेडमिक कैलेंडर अप्रैल में स्टार्ट होने हैं। दोस्तों, ये तो बात थी एकेडमिक कैलेंडर की कि इसमें 27 अप्रैल दी गई है डेट एग्जामिनेशन स्टार्ट होने की, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होगा। आपका जो लास्ट डेट ऑफ टीचिंग इसमें दिया हुआ है वो 20 अप्रैल 2023 दिया हुआ है, जो कि आरजीपीवी कुछ दिन में नोटिस जारी करेगा और आपका जो लास्ट डेट ऑफ टीचिंग है उसको एक्सटेंड कर देगा ऑल कोर्सेस, ऑल सेमेस्टर्स, जो कि इवन सेमेस्टर वाले हैं। क्योंकि दोस्तों इवन सेमेस्टर ऑलरेडी ही लेट स्टार्ट होता है, मतलब कि एकेडमिक कैलेंडर के अनुसार आपका जो इवन सेमेस्टर है वो बहुत ही कम है कि फॉलो हो। लेकिन दोस्तों आरजीपीबी की तरफ से एक नोटिस जारी होगा अभी कुछ दिन में, जिसमें लास्ट डेट ऑफ टीचिंग को एक्सटेंड कर दिया जाएगा, साथ के साथ जो आपके एग्जामिनेशंस हैं उनको भी डिले कर दिया जाएगा। पहले 8th सेमेस्टर के एग्जामिनेशंस होंगे, उसके बाद 6th सेमेस्टर बीई बीटेक बी फार्मेसी वालों के एग्जामिनेशंस होंगे। तो दोस्तों आई थिंक आपका डाउट क्लियर हुआ होगा कि आपके एग्जामिनेशंस कब से स्टार्ट होंगे। साथ के साथ दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि पिछली बार जब आप 5th सेमेस्टर में थे तब आपके लिए आईएमपी वगैरह प्रोवाइड किए थे, टॉप 20 क्वेश्चंस भी प्रोवाइड किए थे जो कि इलेक्ट्रिकल वालों के लिए थे। लेकिन दोस्तों अब आप अगर किसी भी ब्रांच के हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको किस सब्जेक्ट के आईएमपी वगैरह चाहिए, क्योंकि दोस्तों ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, मिनिमम 1 मंथ ही बचा है आपके एग्जामिनेशन स्टार्ट होने में, या फिर बोल सकते हैं आपका 45 डेज के समथिंग बचा हुआ है। तो दोस्तों अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए जिससे कि भाई बैग वगैरह के चांसेस ना हो। साथ साथ कुछ सब्जेक्ट ऐसे होंगे जो कि आपको टफ लग रहे होंगे, उस पर ज़्यादा ध्यान दें और उसके आईएमपी वगैरह पहले ही कर लें जिससे कि बाद में लोड ना पड़े। दोस्तों अब ऑल ब्रांच के आईएमपी वगैरह शेयर करने पड़ेंगे, इसीलिए इस चैनल पर बहुत सारी वीडियोस हो जाएंगी, 1K की समथिंग होने वाली हैं, 700-800 हो चुकी हैं। इसलिए दोस्तों आपके जो आईएमपी टॉपिक्स क्वेश्चंस हैं यूनिट वाइज वो इस चैनल पर प्रोवाइड किए जाएंगे। अभी रिसेंटली 3rd सेमेस्टर वालों के एग्जामिनेशंस कंप्लीट हुए हैं, उन सभी के लिए इसी चैनल पर आईएमपी वगैरह प्रोवाइड किए थे। तो दोस्तों आपको भी अगर आईएमपी की नीट पड़े तो भाई इस चैनल को विजिट कर सकते हैं, चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आईएमपी अब इसी चैनल पर शेयर किए जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, चैनल को विजिट कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा किस सब्जेक्ट के आईएमपी चाहिए हैं आपको। तो दोस्तों आई थिंक वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।